करते हुए नजर आ रहा है। पता क्यों नहीं खुलवाता? तो पता चला कि गरीब के पॉकेट में पैसा ही नहीं है कि उससे वो खाता खुलवाए। दूसरा, गरीब आदमी को गारंटर नहीं मिलता है कि किस कौन गारंटी लेगा। मोदी जी ने कहा पैसा तुमको डालने के लिए मैं खाता नहीं खुलवा रहा हूं, मैं खाता इसलिए खुलवा रहा हूं कि भारत सरकार मोदी जी अब तुम्हारे खाते में पैसा डालेंगे, इसके लिए मैं खाता खुलवा रहा हूं। और दूसरा, तुम्हारा गारंटर अब नरेंद्र मोदी होगा, भारत सरकार होगी, बिना गारंटी के तुम खोलो और तुम्हारा खाता खुलेगा, ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए फर्क क्या पड़ा, जब कोरोना आया और लॉकडाउन लग गया तो मोदी जी ने 3 महीने तक, जब तक लॉकडाउन लगा रहा, बहनों के खाते में हर महीने 500-500 रुपए 20 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया। 20 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? 500 रुपए खाते में पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? और बीच में कोई बिचौलिया नहीं, ये महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना में, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 2,63,00,000 मकान बने हैं पिछले 5 सालों में, 2,63,00,000। और जब मैं इसकी चर्चा भी करता हूं या इन बातों को रखता हूं तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे यहां इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए सिसवा में भी और अन्य स्थानों पर भी हर तरीके से विकास की एक नई गाथा लिखी गई है। और जब मैं मकान बनाने की बात बोलता हूं तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि मकान यानी पक्का मकान, रसोई घर अलग, रसोई घर में गैस का चूल्हा अलग, शौचालय अलग, रहने के लिए मकान अलग और अहाता अलग। और इसके साथ साथ घर का मालिक अब मालिक नहीं होगा, मालकिन होगी, महिला शक्ति होगी, माताएं होंगी, बहनें होंगी। और मोदी जी ने तय किया है कि कोई भी फूस के मकान में नहीं रहेगा, पक्का मकान दिया जाएगा और हरेक को पक्का मकान दिया जाएगा। इस साल 60,00,000 मकान बन रहे हैं, 60,00,000 एक साल के अंदर 60,00,000 मकान बनेंगे। इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से विकास के लिए जो कार्य हुआ है वो हम सबको मालूम है। बताइए गैस का चूल्हा मिला है कि नहीं मिला है? मिला है कि नहीं मिला है? सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला है? अब प्रेम सागर जी को फिर भेज दीजिएगा, 3 तारीख को है ना, 3 तारीख को इनको फिर से भेजिएगा, दीपावली और होली में 2 सिलेंडर मुफ्त का मिलेगा, वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि त्योहार का आपको मिलेगा। और कितने गैस के सिलेंडर दिए गए? सिलेंडर दिए गए 10 करोड़ सिलेंडर बांटे, 10 करोड़ चूल्हा दिया गया। पहले हमारी माताएं ये कंडा होता ना, कंडा कंडा, उसको दीवार में थोप करके बनाती थी कि नहीं बनाती थी, और उसी से चूल्हा जलाती थी कि नहीं जलाती थी, और लकड़ी के चूल्हे जलाने से धुआं फेफड़े में लेती थी कि नहीं लेती थी। आजकल जिसको देखो टक से दबाते हैं, गैस जलता है और 5 मिनट में पति देव को चाय पिला के बोलती है जा काम पर, जावा जावा जावा। बोलती है कि नहीं बोलती है? बोलती है कि नहीं? आई लाइटर से जलाती है टक से, और पहले फू फू फू। चूल्हा जलाना यानी धुआं लेना फेफड़ा में। मैं तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, जितनी महिलाओं को फेफड़े की बीमारी होती थी धुएं के कारण होती थी, 200 सिगरेट का धुआं एक दिन में वो ले लेती थी सिर्फ इसी कारण से, क्योंकि वो चूल्हे के पास बैठती थी। आज मोदी जी ने उनको आजाद कर दिया। कितना दिया? 10 करोड़ लोगों को चूल्हा और सिलेंडर पहुंचाया है। और अब प्रेम सागर जी होली और दीपावली में 2 सिलेंडर मुफ्त का आपको देंगे, ये भी आपको याद रखना चाहिए। लगभग 2 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाई है, और यहां भी लगभग कोई 38,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाई गई है। ये 38,000 यानी आप सोचिए कि घर का बच्चा ढिबरी में पढ़ता था, लालटेन में पढ़ता था,
आज लाइट जला करके पढ़ता है, टेलीविजन देख नहीं सकता था, आजकल टेलीविजन ऑन करके मैच भी देखता है। और मोदी जी का दिया हुआ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में भी जानकारी हासिल करता है, यह हमको ध्यान में रखना है। आप बताइए, आपको राशन मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, 5 किलो गेहूं मिलता है कि नहीं, चावल मिलता है कि नहीं, और दाल मिलती है कि नहीं, और योगी जी का चना मिल रहा था कि ना, और तेल और नमक। ये डबल इंजन है, मोदी जी और योगी जी दोनों का राशन आपको मिल रहा है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जब 100 साल पहले महामारी आई थी तो बीमारी से ज्यादा लोग भुखमरी से मर गए थे, भुखमरी के कारण। और मोदी जी ने बताओ पिछले साल से अन्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और दो महीना में 2 बार मिलता है कि नहीं मिलता है, और वो झोला मिलता है कि नहीं जिस पर मोदी जी का तस्वीर है और उसमें आप अनाज ले जाते हैं, देखा है कि नहीं देखा है। मित्रों, ये है मोदी जी का कमाल, ये है योगी जी का कमाल, ये है भारतीय जनता पार्टी, गरीबों की पार्टी, वंचितों की पार्टी, महिलाओं की पार्टी, युवाओं की पार्टी, किसानों की पार्टी। आप बताइए, हमारे किसान भाई हैं, बहुत लोगों को किसान नेता बनने का शौक चढ़ा, देश में बहुत लोगों ने अपने आप को किसान नेता कहलाया, लेकिन 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करके, 2.25 लाख करोड़, 2-2 हजार रुपए हर 3 महीने पर, 10 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए हर 3रे महीने पर पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, 10 किस्त पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई, हर 3रे महीने 2-2 हजार मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता कि नहीं मिलता किसान भाइयों। यह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। कभी किसान ने सोचा था कि पेंशन लगेगी, कभी सोचा था कि पेंशन लगेगी, आज पेंशन लग रही है। और उसके साथ साथ ये जो स्वच्छ भारत, शौचालय बना कि नहीं बना, शौचालय बना कि नहीं बना, पहले बहने खेतों में जाती थी, आज मोदी जी ने 11 करोड़ बहनों को शौचालय देकर के, इज्जत घर देकर के उनकी इज्जत की रक्षा की है, उनका सशक्तिकरण किया है, उनको ताकत दी है, इस बात को हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, चाहे गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे अन्य योजनाएं हो, सब तरीके से कार्य को आगे बढ़ाया है। आप बताइए, सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना कि नहीं बना, गोरखपुर लिंक वे बना कि नहीं बना, नए इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, खुशीनगर का एयरपोर्ट बना कि नहीं बना, और नए संस्थान खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं, और यहां भाट में भी आगे नए संस्थान खुलेंगे, प्रेम सागर को आप जिता करके भेजिए, इसकी आप चिंता कीजिए। एक समय में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 15 मेडिकल कॉलेज थे, आज उत्तर प्रदेश में 59 मेडिकल कॉलेज हैं। गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुला है कि नहीं खुला है? अब आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए, आपका इलाज गोरखपुर में होगा, और भगवान न करे कि किसी को इलाज की जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़ेगी तो गोरखपुर में आपको वो इलाज होगा जो दिल्ली में होता था, वो इलाज अब गोरखपुर पहुंचाया है मोदी जी ने, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। इसी तरीके से 1 साल के अंदर नौजवान दोस्तों, इस बार के बजट में 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी, 25,000 किलोमीटर की सड़क बनेगी, 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और लगभग 3 करोड़ 80 लाख घरों को 1 साल के अंदर नल से जल से जोड़ा जाएगा, और जल का पानी, जल जो है वो नल से आपको मिलेगा, और उसके लिए 48,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे 1 साल के अंदर। और उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में 60 लाख मकान बनेंगे, और उन मकानों के लिए 60 हजार करोड़ रुपए खर्च होगा, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, एक विकास की एक नई कहानी जो लिखी जा रही है, वो आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया, और उन सारी बातों को आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। मित्रों, 5 साल के अंदर योगी जी की सरकार में 10 नए विश्वविद्यालय बने,
78 डिग्री कॉलेज बने, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज बने, 59 मेडिकल कॉलेज बने, एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है और वह विकास यहां भाट तक सिसवा तक पहुंचे, इस बात का हम सब प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हमारे प्रेम सागर जी पूरी ताकत से लगे हुए हैं, उनको समर्थन देना हमारी आवश्यकता होगी। इस बार हम लोगों ने तय किया है कि किसान को सिंचाई का बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, उसकी सिंचाई मुफ्त में होगी, उसकी बिजली का खर्चा सरकार देगी। और इसी के साथ साथ हमारी बहनों को पढ़ने के लिए जब वो कॉलेज और स्कूल जाएंगी तो मोपेड और स्कूटी मुफ्त दी जाएगी, इसकी भी व्यवस्था की गई है। और 2 करोड़ नौजवानों को लैपटॉप और कंप्यूटर और टैबलेट दिया जाएगा, इसकी भी चिंता की जाएगी, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। और मित्रों, मैं यहां आया हूं तो एक बात की आपसे जरूर चर्चा करना चाहता हूं। आप बताइए, अखिलेश जी की सरकार थी तो गुंडा राज था कि नहीं था? गुंडा राज था कि नहीं था? माफिया राज था कि नहीं था? और बहनों असुरक्षित थी कि नहीं थी? माताएं बहनें असुरक्षित थी कि नहीं थी? आज योगी जी की सरकार आई है, माफिया राज समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ है? गुंडे जेल में गए कि नहीं गए? और शांति अमन चैन है। भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थी।